यानी अगर माइंड शांत रहेगा तो एक खरगोश ने एक शेर जैसे जो जंगल का राजा होता है सबसे ताकतवर जानवर होता है उसका शिकार कर दिया राइट करो तो हमेशा आज के बाद स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल आपको शांत रहना है स्थिर रहना है देन आपको क्या करना है प्रेजेंट में जीना है राइट चाहे अगर सामने में आपका पहाड़ भी आ जाए ना सामने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है फिर आप प्रॉब्लम पर डट के मुकाबला कर सकते हो लेकिन जो आदमी शांत नहीं है विचलित आदमी कभी भी लीडरशिप का बिजनेस नहीं कर सकता या दुनिया के किसी भी काम में विजेता नहीं बन सकता राइट तो यहां पर ये हमारा लास्ट स्लाइड था और दोस्तों एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि सक्सेस क्या है अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं भाई क्या हूं कितने फाइटर्स को अब ऐसा लग रहा है कि मैं यहां से करोड़पति बनूंगा या अरबपति बनूंगा क्या बात है जितेंद्र जी क्यों एक व्यक्ति कामयाब होता है और क्यों एक व्यक्ति नाकामयाब होता है निचोड़ है सक्सेस का एक जगह की बात है कि जैसे आज आप लोग हो तो कुछ एक चेला था मतलब बहुत सारे चेले थे एक गुरु के लेकिन एक चेला उनके पीछे पड़ जाता है और बोलता है गुरु जी मुझे सक्सेस का रहस्य बताइए सक्सेस का रहस्य क्या है इसके बाद दैन गुरु जी क्या करते हैं तालाब में जाते हैं और वहां से स्नान करके वापस आ जाते हैं इस प्रकार एक दिन निकलता है दो दिन निकलता है एक महीना निकल जाता है अब चेला उनके पीछे पड़ जाता है और बोलता है गुरु जी मुझे सक्सेस का रहस्य बताइए कि सक्सेस का रहस्य क्या है देन जो गुरु जी होते हैं वो बोलते हैं चलो मेरे पीछे पीछे जब चेला पीछे पड़ता है तो एक महीने बाद अब गुरु आगे आगे चलते हैं चेला पीछे पीछे गुरु आगे आगे चेला पीछे पीछे जो पानी होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है पानी सबसे पहले घुटनों तक आता है फिर पानी कमर तक आता है इसके बाद पानी बढ़ता ही जाता है और गुरु आगे आगे चलते रहते हैं और चेला पीछे पीछे चलते रहता है इसके बाद क्या होता है कि उसे समझ में नहीं आता ऐसा क्या हो रहा है तब तक पानी गर्दन तक आ जाती जैसे पानी गर्दन तक आती है तो गुरु उसके नजदीक आते हैं और आने के बाद वो अपना हाथ पकड़ना चाहता है तो गुरु सर पकड़ते हैं और पानी में उसे डुबो देते हैं जब पानी में उसे डुबोते हैं तो 20-30 सेकंड तक वो सही होता है फिर वो तड़पने लगता है छटपटाने लगता है अपनी पूरी एफर्ट अपनी पूरी ताकत को लगा देता है मतलब लास्ट एफर्ट लास्ट ताकत को लगाता है इसके बाद भी गुरु बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं गुरु छोड़ते नहीं अब धीरे धीरे ताकत लगाने के बाद उसकी बॉडी शिथिल पड़ने लगती है जो प्राण होता है नीचे से ऊपर आने लगता है प्राण धीरे 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 ऊपर आते आते प्राण कंठ तक आ जाता है शरीर वो बॉडी जो पूरा उसका होता है वो नीला पड़ जाता है इसके बाद बिल्कुल जब प्राण पखेड़ू उड़ने वाला होता है तो गुरु जी उसे छोड़ते हैं और जब गुरु जी उसे छोड़ते हैं वो जो शिष्य होता है वो जोर से सांस लेता है बहुत जोर से सांस लेता है और सांस लेने के बाद गुरु पर फायर हो जाता है चीखता है चिल्लाता है और बोलता है गुरुदेव आपसे मैं सक्सेस का रहस्य जानना चाहता था आप तो मेरी जान ही लेने के लिए तैयार हो गए हमने ऐसे क्या किया तो गुरु जी बोलते हैं शिष्य तुम एक चीज बताओ तू पानी के अंदर था तो तू क्या महसूस कर रहा था बोला मैं चीख रहा था मैं छटपटा रहा था मैं तड़प रहा था मैं पूरी एफर्ट लगा रहा था पूरी ताकत लगा रहा था तो गुरु जी बोलते हैं कि जितनी छटपटाहट जितनी ताकत और जितना तड़प तुम अपनी जान को बचाने के लिए लगा रहा था अगर इससे आधा तड़प आधा छटपटाहट तुम सक्सेस के लिए लगा दिया होता
तो तुम आज नहीं, तुम कब के सक्सेसफुल के रहस्य जान गया होता और तुम कब के सक्सेसफुल हो गया होता। दोस्तों हमेशा जो कामयाबी मिलती है वो कामयाबी तड़प से मिलती है। वही व्यक्ति कामयाब होता है जो सक्सेस के लिए जैसे पानी पीना मछली का तड़पता है। आपका अगर तड़प अगर इस तरीके का हो कि मुझे बड़ी कार लेनी है, मुझे बड़ा घर बनना है, मुझे ब्रांड बनना है, तो दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन भी आपके लक्ष्य को पाने से नहीं रोक सकता। और आप इंडिया नहीं, आप वर्ल्ड डायरेक्शन के ब्रांड लीडर बन सकते हो। क्लियर है? आज तक आप करोगे तड़प के साथ, करोगे काम। और दोस्तों अगर एसटीपीएस की बात किया जाए तो एसटीपीएस को जब हम लोगों ने किया था आज से 6 साल पहले, तो ऐसा एटमोस्फेयर नहीं था जो आज है, ऐसा माहौल नहीं था जो आज है। लेकिन हम लोगों ने बोला था कि अगले 6 साल में हम वो करके दिखाएंगे जो इंडिया में किसी ने नहीं किया है। सैकड़ों गाड़ियां हमारे पास होगी, सैकड़ों लग्जरी गाड़ियां होगी, सैकड़ों करोड़पति लीडर होंगे। लोगों ने बोला इस पॉसिबल नहीं है। हमने बोला होगा, हमारा क्लाइंट हमारे साथ था, हमारी कंपनी हमारे साथ थी। और दोस्तों आज 6 साल के अंदर वो सब कुछ हुआ जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में किसी ने नहीं किया है। और हम आपसे दावा करते हैं, आप यही रहना, आप चलते रहना, देखते रहना, 2025 का सूरज ढलेगा तो एसटीपीएस इंडिया की नंबर वन कंपनी होगी, ये मेरी गारंटी है सर। दोस्तों हम सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया में अभी तो एसटीपीएस लोगों को बताना शुरू किया है कि ऐसी भी डायरेक्ट सेलिंग है जहां पर एक एक साल में लोग करोड़पति बनते हैं। और हम इंडिया नहीं दोस्त, हम वर्ल्ड को दिखाएंगे कि AWPL क्या है। क्योंकि हमारा मकसद है, हमारा विजन है, हमारा लक्ष्य है कि हम इंडिया नहीं वर्ल्ड में जाएंगे। और अभी अंग्रेज कंपनियां आती है, अंग्रेजी कंपनियां आती है हमारे देश में आते हैं, और आने के बाद अंग्रेज मीटिंग लेते हैं, हमारे इंडियन ताली बजाते हैं। हम वो दिन भी लाएंगे आज से 10 साल बाद, जब हमारे डायमंड अमेरिका जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, आप लोग जापान जाओगे और अदर कंट्री में जाओगे और इंडियन को अंग्रेज रिसीव करने आएंगे और इंडियन मीटिंग लेंगे, अंग्रेज फूल माला पहनाएंगे और इंडियन की और AWPL के जय जयकार करेंगे। दोस्त वो दिन भी हम आपके सामने आएंगे। जो बिजनेस में बोला जाता है आप करते जाइए। या ये वो प्लेटफॉर्म है जहां 10 साल नहीं 20 साल नहीं जो बातें बताई गई समझाई गई आप चलते जाइए। हो सकता है आज आप साइकिल से आए, बाइक से आए, लेकिन अगर बताए गए रूल के ऊपर, बताए गए सिद्धांतों के ऊपर चलते हो तो बिजनेस इतना पावरफुल है, ये प्लेटफॉर्म इतना पावरफुल है कि मैं अगर 5 साल बाद मिलूंगा तो मैं आशा करता हूं यहां पर हर फाइटर्स करोड़पति बना मिलेगा और हर फाइटर्स के पास खुद की लग्जरी कार होगी। ये चीज आप हमें दीजिए। कर सकते हो, कर सकते हो। दोस्तों आज का हमारा सेशन यही था,